तो स्थानिक स्वराज की चूंटणी में ओबीसी अनामत मुद्दे आपनुं निवेदन सामे आव्युं छे। चूंटणी में ओबीसी समाज की सीट जनरल करवामां आवी छे। सागर रबारीनुं निवेदन, समाज नो बंधारणीय अधिकार छे, तेनाथी सरकार वंचित करी रही छे, गुजरातनी जनता ने गैरमार्गे दोरवामां आवी रही छे। तो जे प्रकारे सागर रबारी निवेदन आप्युं छे, ओबीसी समाजना बंधारणीय अधिकार पर तराप छे, आप ओबीसी ना बंधारणीय हकों माटे लड़शे, खेडूतोनी आवकना बदले जावक डबल थई गई छे। तो ईसुदान गढ़वीनुं पण निवेदन सामे आव्युं छे, आजे पण नर्मदानुं पाणी खेडूतो सुधी पहोंच्युं नथी, पाणीना बोर करवा पण टेक्स लेवामां आवे छे। गुजरात सरकारे बद इरादा पूर्वक बहुज मोटा समुदाय ने पोताना बंधारणीय अधिकार थी वंचित करवा माटे कमीशन ना चेयरमैन नी निमणूक करी नहीं, जे काम करवानुं कहेवायुं हतुं ए काम कर्युं नथी, एटले एने कारणे आखी स्थानिक स्वराजनी चूंटणीओ अमर्यादित समय सुधी रोकी शकाय नहीं। एटले पोते एक तरफ इरादापूर्वक चेरमेन नी निमणूक नथी करता, करवानुं काम करता नथी, अने बीजी तरफ थी दबाण करे छे के चूंटणीओ योजवानो समय लंबाई रह्यो छे। एवा संजोगोमां चूंटणी पंच आ स्थानिक स्वराजनी चूंटणीओ योजी रह्यो छे। અને આજે 2022 પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે, ખેડૂતોની આવક ડબલ થવાના જગ્યાએ જાવક ડબલ થઈ ગઈ અને ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા। આ ભાજપ સરકાર છે। ભાજપે એવું કહ્યું હતું કે નર્મદાનું પાણી 18,45,000 હેક્ટરને પહોંચાડીશું 2022 સુધીમાં। આજે પણ નર્મદાનું પાણી ત્યાં પહોંચ્યું નથી, એ પણ હકીકત છે। ભાજપ 2007માં પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કલ્ચરના ભૂમિપૂજનો કર્યા, 2012માં પણ ભૂમિપૂજનો કર્યા, આજે 2022 ચાલે છે, કલ્ચરનો એક પાણો પણ મુકાયો નથી, કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે। સમાચાર યથાવત રહેશે।